आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर में एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक का आगमन हुआ जिसके नस नस में समाज सेवा का लहू दौड़ रहा था। इस युवक की आत्मा में राष्ट्रवाद और धड़कनों में भारत माता की आवाज थी। इसकी भुजाओं में सागर की लहरों जैसी रवानी थी। इसकी आत्मा में तूफानी तेवर थे। इस क्रांतिकारी युवक का नाम शरद अवस्थी है, जिनकी आंखों में अनंत सपने तैर रहे थे। इनका तन मन समाज की पीड़ा को देखकर कांप उठा था। ऐसे में यह स्वप्नदर्शी युवक अकेले अपने पद पर समाज की समस्याओं से लड़ने निकल पड़ा। जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने वाला यह कर्मवीर दिन रात रामनगर की जनता की सेवा में जुट गया। ऐसे में रामनगर की जनता इनके साथ जुड़ती चली गई। लोगों का कारवां बनता गया और शरद अवस्थी रामनगर के एक लोकप्रिय सेवक बन गए। बाराबंकी के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से एमए की डिग्री हासिल कर चुके शरद अवस्थी ने इसी कॉलेज से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और कॉलेज के महामंत्री बन गए। इसके बाद इन्हें भाजपा बीजेपी युवा मोर्चा जिला महामंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य मिला। इन्होंने बीजेपी में रहकर पार्टी की तनमन से दिन रात सेवा की। इनके कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी ने इन्हें बीजेपी के बाराबंकी जिला के महामंत्री पद पर चयनित कर इन्हें सेवा करने का मौका दिया। फिर पार्टी ने इनके बाराबंकी में किए गए अनूठे कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें बाराबंकी जिला का अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दिया, जिसे जन नेता शरद अवस्थी ने बखूबी निभाया और यह साबित किया कि जब तक वह जिंदा रहेंगे तब तक वह पार्टी की सेवा करते रहेंगे। सेवा को अपना आंदोलन बना चुका यह युवक रामनगर ही नहीं बाराबंकी जिला का समाज सेवा के क्षेत्र में एक चर्चित नाम बन चुका था। युवा जोश और युवा शक्ति की लहर बन चुकी शरद अवस्थी की लोकप्रियता दिनानुदिन बढ़ने लगी। ऐसे में रामनगर से बाराबंकी तक इस सेवक की अपार लोकप्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने शरद अवस्थी को सन 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में रामनगर से अपना उम्मीदवार बनाया और शरद अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराकर रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला दिया। जुझारू दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के जनसेवक शरद अवस्थी की चुनाव जीतने के बाद चुनौतियां कहीं अधिक बढ़ गई, लेकिन मौत को चकमा देने वाले सेवक शरद अवस्थी इन चुनौतियों से न घबराते हुए दिन रात जनता की सेवा में जुट गए। जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा नेता कैसा हो, अवस्थी जैसा हो। रामनगर के दिलों की धड़कन और विकास पुरुष शरद कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना, लोक निर्माण विभाग और अपनी विधायक निधि से अरबों रुपए की धनराशि खर्च कर रामनगर में सड़कों का नवीनीकरण, चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य करवाया। इन्होंने अनेकों संपर्क मार्गों को जोड़कर और गांव की गलियों का पक्कीकरण कराकर रामनगर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। जब से देश आजाद हुआ, रामनगर विधानसभा से जो भी विधायक हुआ कभी उस गाँव नहीं गया। माननीय विधायक जी, हमारे यहाँ पास में है सालपुर मसूरिया, वहाँ जो है बहिष्कार कर दिया गया था कि वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ काम वाम नहीं हुआ था। माननीय विधायक जी ने वादा किया, रोड का और पुल तोहफे में दे दिया साथ में, ठीक है, विद्यालय गोद लिया। आज वहाँ आप जाकर के बात करिए, देखिए, जनता से बात कीजिए, बहुत अच्छा काम। विकास को एक नया रूप दे चुके शरद अवस्थी ने अपनी विधायक निधि से गाँव गाँव तक इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कर और नवीनीकरण कराकर गाँव की खूबसूरती बढ़ा दी। चक लैण दे,
रामनगर की जनता के सुख दुख के साथी शरद अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र में घाघरा नदी के बाढ़ से प्रभावित हजारों पीड़ित परिवारों की सहायता कर आज इस क्षेत्र के मसीहा बन चुके हैं। इन्होंने विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को उठाकर योगी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और योगी सरकार ने तुरंत बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सुविधा मुहैया कराकर बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों को जग जाहिर कर दिया। यही नहीं, इन्होंने बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो चुके मकानों के मालिकों को जमीन भी मुहैया करवाया है, जिससे कि वह अपना नया घर बना सके। गरीबों के मसीहा बन चुके शरद अवस्थी खुद बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा कर और उन्हें राशन से लेकर सभी आवश्यक सामग्रियां खुद वितरित कर यह दिखाया है कि वह जनता की धड़कनों में बसते हैं और जनता जनार्दन से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। सरल सहज और ईमानदार जननायक शरद अवस्थी ने रामनगर के लोधेश्वर महादेवा धाम को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस क्षेत्र का सर्वे करवाया है और योगी सरकार तक इसकी आवाज पहुंचाई है। योगी सरकार ने इस धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस धाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस दिशा में इस महादेवा धाम के प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया है और जल्द ही यहाँ के अभरण तालाब और आसपास के इलाके को खूबसूरत बनाकर इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि बाराबंकी के रामनगर का प्राचीन मंदिर लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन, विजय भवन, गगन कहे विजय भवन। किसानों के हमदर्द और किसान के बेटे शरद अवस्थी ने किसानों के कल्याण के लिए रामनगर में एक आधुनिक किसान कल्याण केंद्र की स्थापना कराकर किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस किसान कल्याण केंद्र में किसानों को खेती के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। यही नहीं, किसानों को यहां सस्ते और गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस केंद्र के बन जाने से किसानों को अब खेती से संबंधित कोई भी कार्य के लिए लखनऊ या बाराबंकी नहीं जाना पड़ेगा। ए परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ए परिंदे भर ऐसी उड़ान है तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। शिक्षा के पुजारी शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इंटरलॉकिंग निर्माण और विज्ञान भवन का निर्माण करवाया है। इसके अलावा इन्होंने अनेक स्कूल कॉलेजों में भवन निर्माण और नवीनीकरण का कार्य करवाया है और आर्थिक सहायता दिलाई है। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहां, कर खुद को तैयार। पेशे से अधिवक्ता रहे शरद अवस्थी अपने अधिवक्ता भाइयों और युवा वकीलों की सहायता के लिए सदैव खड़े रहते हैं। यही कारण है कि इन्होंने रामनगर तहसील परिसर में वादकारियों और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए खुला बरामदा बनवाया है।
गरीबों शोषितों के मसीहा शरद अवस्थी दर दर फुटपाथ पर भटकने वाले अनाथों असहायों और बेबस लोगों के लिए बाबा कोटवा धाम अमलोरा आदि अनेकों जगहों पर रैन बसेरा का निर्माण करवाया है। इसके अलावा इन्होंने ठंड में ठिठुरते गरीबों को कंबल बांटकर भी अपनी दरिया दिली का परिचय दिया है। 24 घंटे जनता की सेवा करने वाले गरीबों के मसीहा शरद अवस्थी असाध्य और जानलेवा बीमारी के शिकार मरीजों की आर्थिक सहायता कराकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। नारी सशक्ति को बढ़ावा देने वाले हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के जन नेता शरद अवस्थी महिलाओं की आवाज बनकर हमेशा खड़े रहे हैं। यही कारण है कि वह सदैव अपने क्षेत्र की बेटियों का सम्मान कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हैं। इसी के तहत इन्होंने अपने क्षेत्र की अनेक टॉपर लड़कियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया है। यही नहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए इस सेवक ने सदैव अपने क्षेत्र की युवा खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य किया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। योगी सरकार की घर घर नल और घर घर पानी की योजना को आगे बढ़ाते हुए विकास के नायक शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 225 से अधिक हैंड पंप और अनेक पानी की टंकियां लगवाई है। इसके अलावा किसानों को 24 घंटे पानी मिले इसके लिए इन्होंने खेतों में ट्यूबवेल भी लगवाया है। शरद कुमार अवस्थी ने अपने रामनगर क्षेत्र में अनेकों आधुनिक सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करवाया है। विकास की गाथा लिखने वाले विकास पुरुष शरद अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत रामनगर के मुख्य बाजारों में 265 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगवाकर उजाला ला दिया है। यही नहीं, अनेकों हाई मास्ट लाइट लगवाए गए हैं जिससे कि रात में दिन जैसा उजाला रहता है। इसी तरह 924 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाकर रामनगर विधानसभा की खूबसूरती बढ़ा दी है। यही नहीं, इन्होंने रामनगर के सुदिया मऊ में 33x11 का एक विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की योगी सरकार से मंजूरी दिलवाई है। यही नहीं, इस सेवक ने 22 करोड़ की लागत से 132 केवी का बिजली पावर हाउस के निर्माण का भी एक प्रस्ताव मंजूर करवाया है। जन जन के दुलारे और बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की सांसों में बस चुके शरद अवस्थी ने विकास की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए त्रिलोकपुर में एक पशु चिकित्सालय का निर्माण कराकर यह दिखाया है कि इंसानों के साथ साथ उनका दिल बेजुबानों के लिए भी धड़कता है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मधुर और स्पष्टवादी कर्म योद्धा शरद अवस्थी ने अनेक गांव में बारात घरों का निर्माण करवाया है जिससे गांव के लोगों को शादी कोई उत्सव या समारोह करने के लिए एक मंच मिल सके। आज यहां की जनता इसका भरपूर लाभ उठा रही है। दरिया दिल सेवक शरद अवस्थी 24 घंटे जनता के बीच रहकर उन्हें हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करते हैं। जनता की धड़कनों में बस चुके शरद अवस्थी जनता दरबार का आयोजन कर खुद रामनगर के सभी रहवासियों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। यही नहीं, जनसेवक शरद अवस्थी ने रामनगर सादतगंज संपर्क मार्ग पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्मृति द्वार बनाकर प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रति अपना आदर जताया है। विकास के नायक शरद कुमार अवस्थी ने कुंतेश्वर महादेवा मंदिर, कोटवा धाम मंदिर के अलावा अनेकों मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराकर अपनी धार्मिक भावना का परिचय दिया है। रामनगर क्षेत्र के दुलारे शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र के अनेकों तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाया है
जिससे कि लोग यहाँ आकर शुद्ध वातावरण में सांसें ले सके। बार बार बोलो यार अपनी जीत हो उनकी हार बार बार बोलो यार अपनी जीत हो उनकी हार कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो फल घोर अंधेरा छावे चले चलो चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो। विकास का एक नया कीर्तिमान बना चुके रामनगर क्षेत्र के कार्य सम्राट शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र के चाचू सराय में करोड़ों रुपए की लागत से एक आधुनिक आईटीआई सेंटर का निर्माण करवा रहे हैं। इस सेंटर के बन जाने से रामनगर क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अन्य आईटीआई सेंटर के निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया है, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होगा। जन सेवक शरद कुमार अवस्थी के प्रयास से रामनगर क्षेत्र में अनेकों आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इस केंद्र के बन जाने से यहां की महिलाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा इन्होंने रामनगर क्षेत्र में अनेकों गौशाला का निर्माण कर गौ माता के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है। गौ के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत पुण्य का काम है। हम सब लोग बाभन का गांव है और कहीं कहीं कट कर मर जाती हैं, कहीं ऐसे सड़ कर मर जाती हैं, कहीं पर देखो तार फाट करके उनके अपने पेट के लिए वो इधर उधर दौड़ती हैं। उसे अच्छा उनका मुट्ठा भर चारा मिलेगा, गौशाला में सब बढ़िया सुरक्षित रहेंगे। रामनगर क्षेत्र में विकास की गंगा बहा चुके सेवक शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र में कल्याणी नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से एक भव्य पुल का निर्माण करवा रहे हैं। बता दें कि कल्याणी नदी के आसपास का गांव बाढ़ आने से पानी में डूब जाता है और इन्हें आने जाने में असुविधा होती है। इस पुल के निर्माण हो जाने से वे अब आसानी से कहीं भी आ जा सकेंगे। यहां आने जाने के लिए सबसे दिक्कत होती थी, हम लोगों को 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब इस पुल की वजह से ये है कि हम लोगों को डायरेक्ट सीधे मसूली जाना आसान है, और अगर बारिश हो जाती है फिर भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब जो है सही ये पुल बन जाएगा, सब लोगों हम लोगों का भी आसान है तरीका जाने के लिए। सब मलौली है, सहादर है, 3-4 गांव लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और सब लोगों को यहाँ जाने के लिए बढ़िया आराम रास्ता मिल गया है। और पहले जैसे मसौली है डेढ़ घूम के जाना पड़ता था, अब यहीं डायरेक्ट जाना है बिंदौरा से, सब लोग इधर काफी गाड़ी आएंगी। अब पुल बनने से हम लोगों को सब लोगों को आराम मिल गया है। विधायक जी ने बहुत सारे काम किए, हमारे यहाँ मसूरिया साल को करता है, कोई विधायक ने पुल नहीं बनवाया, वहाँ का पुल मंजूर कराया, और हमारे गांव का ये रोड जो आया है बालाजी धाम यह विधायक जी ने कराया, और जो कोरोना काल में जो भी परेशानी पड़ी विधायक जी को हम लोग काल किए तुरंत सेवा हाजिर किए। पूरे परचम मैं दिल्ली मैं यूपी में पूरी भाजपा का परचम लहरा रहा है। आने वाले 2022 में फिर माननीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश का हमको भेजना है। रामनगर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक 5,000 साल पुराने पारिजात वृक्ष परिसर का भी सौंदर्यीकरण करवाया है। कहा जाता है कि पांडवों को महाभारत में जीत इस पारिजात वृक्ष की पूजा करने से ही मिली थी। रामनगर क्षेत्र में 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले कर्मयोद्धा शरद कुमार अवस्थी ने कोरोना काल में कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा सैनिटाइजर वितरण कर रामनगर की जनता को वैक्सीन की दोनों डोज दिलाने में सफलता पाई है। यही नहीं, इन्होंने कोरोना काल में गरीबों को राशन भी वितरित करवाया है। पहली बार रामनगर विधानसभा 267 से इसका पहली बार विधायक हुआ है जो ये रामनगर क्षेत्र में इतना गांव हुआ है। कोई गरीब के यहाँ कोई मुसीबत हुई तुरंत विधायक जी पहुँचे, कोरोना में बहुत मदद किया, जहाँ पर जो आवश्यकता थी खाना पानी की सारी व्यवस्थाएं कराए। मैं बहुत भारी बहुमत से आपके बाद 2022 में चुनाव जीतेंगे और हम लोग इनको वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे, पिछली बार दिए थे आपके लोग भारी मतों से जिताएंगे। विकास पुरुष शरद कुमार अवस्थी ने रामनगर क्षेत्र में योगी सरकार से अरबों रुपए की लागत से बनने वाली अनेक योजनाओं की स्वीकृति दिलाई है, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा। आने वाले समय में हमारी प्रायोरिटी ये है कि नौजवानों के रोजगार के लिए हम बुढ़ोल मिल जाए, किसान फायदा भी होगा गन्ना किसानों का और नौजवानों को रोजगार मिलेगा,
दूसरा हमारा ये पुल बन जाएगा तो सीधे नेपाल तक पहुंचने में 100 किलोमीटर दूरी भी कम होगी और इस क्षेत्र के नौजवानों को नेपाल तक व्यापार करने में आसानी होगी। ये दो महत्वपूर्ण काम हमारे हैं। तीसरा हमारा महादेवा जो मंदिर है उसको पर्यटन में शामिल कराएंगे। जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहाँ जो पर्यटक आएंगे वो महादेवा लोधेश्वर का भी दर्शन करेंगे, पद्मुखी बालाजी का भी दर्शन करेंगे, कोटवा धाम का भी दर्शन करेंगे, पारजात विश्व के दर्शन करेंगे। ये सारी हमारी योजनाएं हैं। और नौजवानों को शिक्षा के लिए 2 डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव हमारा है, 1 हमारा इंटर कॉलेज का प्रस्ताव राजकीय है। जो सरकारी सुविधाओं पर कॉलेज बनेंगे उसमें फ्री में निःशुल्क उनको शिक्षा मिलेगी। और जो स्टेडियम हम बता रहे हैं बनाने के लिए खेल कूद के लिए, वो हमारा महादेवा के पास गर्दी गाँव में 55 बीघे जमीन प्रस्तावित है, उसमें बनाकर हम नौजवानों को भी खेल से जोड़ने का काम करेंगे।